मैं कौन हूँ? बचपन में जब पता नहीं था अदिति, वसुंधरा, अनम, जैनब में कोई भी फर्क, तब जब सबके साथ मिलकर मैं भी खूब इंजॉय करती थी अपना टिफिन और सब टीचर्स की मैं भी हुआ करती थी बहुत ही फेवरेट, वही हूँ मैं। जब फेयरवेल पर आया था बहुत ही रोना, तो सब फ्रेंड्स ने साथ मिलकर खिंचवाई थी एक तस्वीर जो कैद हो गई थी ताउम्र के लिए। पर मैं वो भी हूँ जिसकी फ्रेंड की मम्मी ने उसकी टीचर से लगाई थी एक कंप्लेन कि मैम आप ना मेरी बेटी को इससे अलग बिठाया करो क्योंकि ये ना दुआ मांगती है। और मैं वो भी हूँ जिसकी दादी से लेकर उसके पापा तक मनाते थे रक्षाबंधन और दिवाली पर पापा अक्सर कहते हैं अरे जल्दी करो जाना है हमें बहुत से घर। ईद पर घर मेरा भी भरा सा रहता था और हम सभी क्रिसमस पर जाते थे गिरजाघर। और क्रिसमस वाला वो केक नहीं बना पाई मैं आज तक। कॉलेज की एक्साइटमेंट के बीच मैं इंट्रोड्यूस हुई थी विद अ वर्ड कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, जब मेरे छुए हुए एक गोल से नहीं लिए थे किसी ने भी पॉपकॉर्न। और हमारे पीजी के पंडित भैया जो बहुत अच्छा खाना बनाते थे, उन्होंने मुझसे कहा तुम अपने खाने के बर्तन ना बिल्कुल अलग रखा करो और हाँ हम तुम्हारे घर का लाया हुआ कुछ नहीं खाएंगे, पता नहीं क्या मिलाया होगा तुम लोगों ने उसमें, हमारा तो हो जाएगा धर्म भ्रष्ट। पर इस सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने भुला दिया ये सब और हमने साथ मिलकर खाया, खेला और झूमे जिंदगी की हर धुन पर। पर अब जो होता है वो भूला नहीं जाता क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं प्रोपोगंडा है, जो मेरे पास बैठने से मना नहीं करता पर कहता है कि इसके बैठने के लिए तो जगह ही नहीं होनी चाहिए, जो मेरा खाया हुआ खाने से मना नहीं करता पर कहता है कि इसकी खाई और छुई हर चीज तो अछूत है, जहर है, जो सरेआम मेरी खिल्ली उड़ाता है और ये कहने से नहीं चूकता कि इन सालों को तो गोली मार देनी चाहिए। और मैं आज भी इसी उम्मीद में कि मैं ये सब भूल जाऊं एक बुरा सपना समझकर, क्योंकि इंसान इतना भी जालिम नहीं हो सकता। और मैं फिर से नाचूं, झूमूं, गाऊं जिंदगी की हर धुन पर और कोई मुझसे ये ना पूछे कि तुम कौन हो।